और डेंटिस्ट के जाना है, मुंह खोल के लेट जाना है। साशा ग्रे तो हम है नहीं कि अगला मुंह में इतने वो औजार डाल दो और हम आराम से बैठे हो। नहीं होता यार, नहीं सहा जाता, ये हो जाता है बार बार। आई वॉन्ट टू मास्टरबेट ऑन योर बॉल्ड हेड। गेमिंग में मजा तब है जब सामने कोई लांती बैठा हो जिसकी आप लेते रहो। अंग्रेजी में बोलो ओह फक यू तो बहुत कूल हो जाता है। बोलो भाई अबे ये मिडिल फिंगर बनी हुई है इसकी बहन, ये गेम जो है मिडिल फिंगर दिखा रहा है मुझे। हाँ भाई क्या है भैया, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गंजी गेमिंग। और आज हम दोबारा खेलने जाएंगे मैनी ब्रिक्स ब्रेकर। उस दिन काफ़ी सारे लेवल मैंने कर लिए थे, आज भी हम जो है नॉर्मल लेवल पे ही खेलेंगे और लेआउट भी रखेंगे। 12 लेवल कर लिए थे पिछली बार, आज हम 13 से स्टार्ट होंगे। तो लेट्स सी कहाँ तक जाता है। एक सेकेंड यार, इसको मैंने ज़रा ये वाली बात इस तरह का फसाना होता है बस ऊपर। अब ये ज़रा बोनस वोनस निकले, अब ये जितनी मुर्दार स्पीड से ये बोनस नीचे आएगा ना तब तक वो बॉल ही नीचे आ जाएगी, फिर फ़ायदा नहीं होता यार। एक तो ये वाला मुझे बोनस पसंद ही नहीं है। हाँ ये जो तीन वाला होता ना, मतलब ये रेडियो एक्टिव साइन वाला, ये सही वाला मल्टीप्लायर होता है। बस अब खत्म खत्म, बाय बाय टाटा। लेवल ओवर, नेक्स्ट लेवल यहाँ से होगा। वो वीडियो थी मेहरान के ऊपर, पुरानी यादें मेहरान से रिलेटेड, तो उस पर सारी बचपन की जो है ना मैंने शेयर की हैं। और दो पीछे आते थे, फिर जब सीएनजी का ज़माना आया तो सीएनजी का टैंक लग गया तो दो कदम माइनस होने लग गए। फिर सच इज़ लाइफ भाई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो दे वर लीस्ट लाइकेबल। वैसे ये कहने की बातें हैं कि जी सारे बच्चे इक्वल होते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। हर पेरेंट का जो है ना फेवरेट चाइल्ड होता है, ये तो मैं आपको कह दूँ। अब आप जितने सुन रहे हो अभी, आपने ये आपका काम है कि आप फिगर आउट करें कि आपके घर में फेवरेट कौन है। दिस इज़ अ फैक्ट। ये कहते ना जी माँ को तो सारे बच्चे प्यारे होते हैं, कोई ऐसा ऐसी कोई कहानी नहीं है। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस यू आर प्रॉब्ली नॉट प्यारा टू योर मॉम। माँ को प्यारे होते तो माँ ने अच्छी दुआ दी होती, तो कहीं बैठे होते कोई काम कर रहे होते, मेरी वीडियो ना देख रहे होते भैया, ईंटे तोड़ता फिर रहा हूँ बैंड। नहीं यार मुझे पता है मोहब्बत में देख रहे हो यार, आप लोग मेरे फैन हो। आई लव यू ऑल टू मैन। गुजजा सिम सेम, ख़त्म कर दे इसको, 6 रह गए ऊपर। अच्छा राउंड था यार ये, इंटरेस्टिंग राउंड था। अच्छा ये ऊपर बारियां लिखी आ रही हैं जो है ना, तीन तीन ट्राइज हैं। निकल जा, यस। अरे यार कल डेंटिस्ट के भी जाना है यार भाई जिंदगी। अबे डेंटिस्ट डेंटिस्ट में मैं भूल ही गया कि वो बोनस पकड़ना था। ये काम का बोनस आया ना, यस। पिंक वाला क्या है बोनस यार, ये तो अभी तक नहीं आया, ये आज पहली बार आया। और डेंटिस्ट के जाना है, मुंह खोल के लेट जाना है यार, बड़ा मुश्किल हो जाते हैं प्रोसीजर यार। गैग रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा ना, साशा ग्रे तो हम है नहीं कि अगला मुंह में इतने वो औजार डाल दो और हम आराम से बैठे हों। नहीं होता यार, नहीं सहा जाता, ये हो जाता है बार बार। पीपल आर वियर्ड मैन। स्पीकिंग ऑफ वियर्डनेस, द मोस्ट वियर्ड कॉमेंट आई हैव एवर गॉटन ऑन माई वीडियोज वो था, आई वॉन्ट टू मास्टरबेट ऑन योर बॉल्ड हेड। आई एम लाइक व्हाट द फक ब्रो, व्हाई एंड व्हाई माई हेड ओनली। लाइक इससे ज्यादा वियर्ड कॉमेंट आज तक मुझे नहीं आया। आए होंगे क्या पता, मैंने पढ़े नहीं हो, नजर से ओझल हो गए हो भाई। बहुत सिक लोग हैं यार, पीपल आर इनटू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। वो कहते हैं ना hubchoki.com पे आके कुछ भी लिख दो निकल आता है, कुछ भी लिख दो निकल आता है यार। लाइक यू थिंक ऑफ द वियर्डेस्ट थिंग वो भी निकल आएगा। यार लंबी कर रहा है यार ये राउंड, क्योंकि ऊपर जा नहीं रही यार। लैट आके बैठेगा तो ज़रा उसकी भी टेकिंग करूँगा। अबे यार वो मैंने कल ये सीखा है, कल अल्ताफ बैठा हुआ था, कि गेमिंग में मज़ा तब है जब सामने कोई लांती बैठा हो जिसकी आप लेते रहो, वो मज़ा है, कंटेंट वहाँ से निकलता है। तो लैट अभी आएगा, लैट की एक कहानी सुनाता हूँ। अभी मैं फार्मूला 1 पे गया तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी लैट भी साथ चले,
मगर ऑब्वियसली यार इकोनॉमी आपके सामने, यार बंदा 10 बार सोचता है। मेरा तो चलो स्पॉन्सर्ड था, मैंने जो है बड़ी कोशिश की, क्योंकि यार फार्मूला वन गाड़ियों का शौक उसका है, वो गाड़ी उसका चैनल ही गाड़ियों का है, तो मैं लगा वो ज़रा इन्जॉय करेगा, तो वो अड़े स्कीम वो आ नहीं सका। तो मेरा दिल उदास था वहाँ पे, हाँ भाई होता है यार, दिल उदास होता है हमारा भी यार इस उम्र में भी। तो वहाँ पे पैडक क्लब में फार्मूला वन की मर्च स्टोर था, तो मैंने बोला यार उसके लिए कुछ ले जाता हूँ। तो मैंने उसको फिर वीडियो कॉल मारी, उसने काट दी, मैसेज आया कि ऑल ओके। अब ये भी है ना, लौंडे वीडियो कॉल फौरन नहीं उठाते, उनको लगता है पता नहीं मैं नंगा बैठा हूँ। अबे भाई कोई काम ही होगा वीडियो कॉल कर रहा हूँ, वरना मुझे क्या शौक है तेरी शक्ल देखने का भाई। फौरन ना वो होमोफोबिक हो जाते हैं कि वीडियो कॉल क्यों आ रही है, कहीं ये चूल्हे पे तो नहीं बैठा गरम। तो भाई मैंने उसको बोला कि यार ये इधर मर्च रखी हुई है, डू वुड यू लाइक समथिंग। तो बोला वो अच्छा अच्छा अच्छा। फिर वीडियो कॉल आई तो वो नाई के बैठा चुटिया करवा रहा था। अबे मैंने बोला पागल वागल हो गया क्या, वो ब्रेड्स उसकी बनती है ना हर हफ्ते, तो वो अजीब साइट थी। पहला यार ब्रो आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दिस, नथिंग रॉन्ग विद ब्रेड्स, बट लाइक जहन में नहीं आया कि ब्रो बैठा कहीं कुछ करवा रहा होगा। कहाँ उसको लगा था टोपा देने के मूड में हम, अब यार टोपी देनी थी भाई, इतना डर रहा है वीडियो कॉल से खली वल्ली। हमारे दो दोस्त हैं वो रोज़ वीडियो कॉल करते हैं एक दूसरे को, मैंने पोल भी करवाया था एक बार इंस्टाग्राम पे कि इज इट ओके टू ग्रोन एस डूड्स, वन इज अ फादर, दोनों मेरी उम्र के हैं, तो वीडियो कॉल एवरी डे, हाउ कैन यू। आई मीन वो अलग शहर में रहते हैं, दैट्स फाइन, आई मीन यू कैन, आई डोंट नो मैन। आई मीन अभी आप बोलोगे, अभी आप एक वीडियो कॉल का वो कह रहे थे, अब आपके भाई वो होमोफोबिक नहीं है और अब आप खुद जज कर रहे हो। अरे भाई रोज़ की वीडियो कॉल, रोज़ कौन किसी को देखता है यार, विल लौंडे। बट खैर मैन, इट वर्क्स फॉर सम पीपल परहैप्स, खैर अल्लाह उनका बॉन्ड कामयाब रखे। तो हमसे ना हो पाएगा भाई, मतलब सोचो मैं मुबीन भाई को रोज़ वीडियो कॉल मार रहा हूँ, अबे लोग बोलेंगे भाई क्या तबीयत अभी सही है, क्या हो गया भाई, कुछ और नहीं मिला तुझे वीडियो कॉल करने को। ये लेवल भी क्लियर हो गया, अभी हम कौन से लेवल पे हैं यार, इसमें लेवल दिखा नहीं रहा ऊपर, बहुत छोटी सी गली दी है इसमें, बहुत कंट्रोल चाहिए इसमें, उदय कंट्रोल। अब देखने में लग रहा है बड़ा आसान है, लेकिन भाई बड़ी कंसंट्रेशन इतनी चाहिए कि मैं उठ के नजरें नहीं जो मिला पा रहा आप लोगों से, देख नहीं पा रहा, नई दुल्हन की तरह मैं बैठा हूँ, जैसे स्टेज पे बैठी थी ना दुल्हन। अबे दिसंबर में तो 11-11 दावतें होती है मेरे पास, मगर इस महीने नहीं है। चल रही है शादियां क्या, शादी वाला कोरमा याद आ रहा है यार। अबे कभी कभी मैं सोचता हूँ केनी जी जो है सैक्सोफोन जो बजाता है, इतने साल ट्रेनिंग ली उसने, फिर म्यूजिक स्कूल गया होगा, कॉलेज में पढ़ा होगा, वो हमारे यहाँ थोड़ी बस वो बस में कोई गा रहा था या पेंट करते हुए गा रहा था, किसी ने वीडियो बनाई वायरल हो गया। अबे वहाँ लोग बाकायदा मौसीकी की क्लासें लेते हैं भाई, तो उसने सैक्सोफोन कितने साल बजाया, प्रैक्टिस की, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तानी वलीमों में अंकल रानो की माँ बहन एक कर रहे हो मुंह में डाल के और पीछे केनी जी चल रहा हो। मतलब अगर केनी जी को अगर पता चल जाए उसका म्यूजिक यूज केस क्या है, बजाय NFT में ही कहते हैं ना यूज केस क्या है उसके म्यूजिक का, बोटियाँ फोड़ रहे अंकल, 7 अप चढ़ा रहे हैं उसके म्यूजिक पे। अबे यार मैं ऐसा आर्टिस्ट हूँ, मैं तो खुदकुशी कर लूँ बहन की। अबे मैंने बॉडी ऑफ वर्क एक चीज़ होती है यार, एक आर्टिस्ट का काम होता है, उसकी लेगेसी होती है। और यही वाली बात बिथोविन पे, बिथोविन बेचारा अंधा था, बहरा था, उसने भाई इतनी धुनें बनाई डिस्पाइट बीइंग हेयरिंग इम्पेयर्ड, सॉरी मैंने बहरा इस तरह बोल दिया, बोलना नहीं चाहिए हेयरिंग इम्पेयर्ड। अच्छा उसको उर्दू में और क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलो तो चीज़ें ओके हो जाती हैं, यही वाली बात ना अंग्रेजी में बोलो ओह फक यू तो बहुत कूल हो जाता है, बोलो भाई तो वो फिर बड़ा बदतहजीब हो जाता है। वाई अबे लैंग्वेज से इतना कॉम्प्लेक्स क्यों। एनीवे कुवते समाज से महरूमी, हाँ अबे इतना लंबा कौन बोले यार, अबे यार बहुत लंबी कर रहा है यार राउंड ये। अबे एलन मस्क के बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं नहीं चाहिए तेरी दौलत, ट्रांसजेंडर बन रहा है उसका बेटा, आई मीन लाइक ही वॉन्ट्स टू ट्रांजिशन विच इज़ फाइन, आई मीन जैसा बंदा जो फील करे। तो वो कह रहा है भाई मुझे अपना सरनेम भी चेंज करना है, मुझे इसका कुछ नहीं चाहिए। अबे सोचो यार बाप दुनिया का अमीर तरीन आदमी,
और उसके बावजूद बच्चे कह रहे हैं भाई खल्ली वल्ली निकल यहाँ से, तो कितना टॉक्सिक बाप होगा। सेम फॉर जेफ बेजोस मैन एंड इवन बिल गेट्स। तो बिल गेट्स का तो कहते हैं भाई उसका दोस्ती जब निकली थी जेफरी एपस्टीन से, उसकी बीवी की वहाँ हट गई थी कि भाई तू एपस्टीन आइलैंड क्या करने गया था, समझ रहे हैं। तो उन्होंने अलग हो गई, पैसे भी ले लिए, लेकिन नाम नहीं चेंज किया क्योंकि ऑफकोर्स दोगलापन, उसी नाम का तो जो है मेलिंडा गेट्स जो है उनका हिसाब किताब चल रहा है। बहुत ही ऑफ सीन हो गया। शाबाश शाबाश, सफाई करो। हो गया, खत्म हो गया। औलाद की तरह पालना पड़ता है फैंस को, हर चीज का ख्याल रखो। खली वली भूख लग रही है, खा लिया मैंने, तुम्हें कानों को बुरा लग रहा है, वॉल्यूम आहिस्ता कर दे। नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ, ये राउंड अच्छा था, भर भर के प्यार दिया इस राउंड ने, भर भर के। ये होते हैं ना राउंड टाइट वाले, नेक्स्ट लेवल। ये तो किसी की शक्ल बनी हुई है, ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि ये ग्रे स्ट्रक्चर जो है ना ब्रिक्स का बहुत नीचे है। अबे रमीज भाई कहाँ है, इज ही स्टिल पीसीबी चेयरमैन? क्योंकि वो कह रहे थे उनको हटा देंगे ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट। अबे इस बोनस के चक्कर में मैंने बॉल ही गिरा दी, जड़ें खोखली करनी होती हैं इस गेम में। बस ये जो पहुंच गया ना ऊपर, अब ये खुद ही कलिया कलम कर देगा ऊपर। अबे नीचे मत आ, बोनस फेंकता जा बस। शाबाश, मल्टीप्लायर इफेक्ट है, अनोइंगली फन है ये गेम। अबे अनोइंगली फन से तो याद आया फ्लैपी बर्ड, फ्लैपी बर्ड ने पूरी दुनिया हिला दी थी भाई। वो बंदा पर डे $60,000 कमाने पे आ गया था बिकॉज ऑफ डाउनलोड्स, फिर उसने वो डिलीट ही कर दिया गेम। उसने बोला इट्स क्या, इट्स अफेक्टिंग माई मेंटल हेल्थ। क्योंकि यार लोग गालियां दे रहे थे, और लोग दिल से गालियां नहीं दे रहे थे, लोग ऐसी बस अनोइंगली कह रही है क्या तूने ईजाद कर दिया है, दिमाग ख़राब हो गया है, वो एडिक्टिव। फिर उसके बड़े वर्जन आए लेकिन वो वाली बात नहीं थी जो फ्लैपी बर्ड में थी। तो सिमिलरली मेरा भी एक दोस्त है, वो गेम वो वैसे तो इंजीनियर है बट साइड में वो गेम डेवलपमेंट करता है। वो ये कहता था, तो मैं उसको कहता था यार अगर एक चीज़ नहीं चल रही, व्हाट्स कीपिंग यू यू नो कीप इन्वेस्टिंग इन दिस। उसकी कोई टीम थी लाहौर में, तो वो कह रहा था यार इन गेमिंग इंडस्ट्री यू हैव टू बी राइट ओनली वंस, आपको एक फ्लैपी बर्ड ही चाहिए। वो लगा पड़ा है भाई जुस्तजू में कि बस मेरा फ्लैपी बर्ड कब आएगा। यार गुड गए सारे बाहर ही चले जाते हैं, यहाँ कोई नहीं रहता भाई। कैनेडा को दे रहा है वो अपना मैन पावर, अपनी आइडियाज़, अपने ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें, अपनी लर्निंग्स कनाडा को आगे कर रहा है। अबे भाई ये होते हैं मुल्क यार, स्ट्रेटजी होती है, प्लानिंग कैसी है कि कोई का काम ही नहीं है। आएगा तो काम का ही बंदा आएगा, वरना आएगा ही नहीं, रास्ते ही बंद है, समझ रहा है। हमें कह रहा है कि भाई ये दुनिया पूरी दुनिया पे हमारी हुकूमत होगी, हम ये चाहते हैं ना। सो दैट मीन्स एसेंशियली कि हमने पूरी दुनिया के साथ ऐलान जंग कर लिया, यही मतलब है ना। तो इस वक्त हम हालत जंग में, तो अगर हालत जंग में हमारा ये हाल हो रहा है तो फिर अब रो क्यों रहे हो, या अगले अपने डिफेंस के लिए जो कर रहे हैं हमारे साथ, फिर रोना किस बात का कि अमेरिका साजिश कर रहा है या फलाना ये कर रहा है। आपने जब डिक्लेयर किया कि हमारी जंग है उनसे, तो दिफा उनका राइट है कि नहीं है, तो अपने दिफा में अब वो जो भी करे। अब ये बातें कहाँ समझाए बंदा किसी को, छोड़ो यार गेम खेलते हैं खल्ली वल्ली। नेक्स्ट लेवल। अच्छा ये अब मुझे 7 बारियां क्यों दिखा रहा है इस राउंड में, मुझे ये चीज अभी तक समझ नहीं आई इस गेम। अबे ये मिडिल फिंगर बनी हुई है इसकी बहन, ये गेम जो है मिडिल फिंगर दिखा रहा है मुझे। आप ये देख रहे हैं सटल सटल हरकतें इन लोगों की। ऐसे राउंड में जहां पे स्ट्रक्चर टॉल होता ना, वहाँ पे ये ऊपर नीचे नहीं, साइडवेज लगे तो ज़्यादा मैक्सिमम डैमेज होता है। बट साइडवेज लगाने के लिए जैसे ये हुआ है ना, मैक्सिमम डैमेज हो रहा है।
चल भाई उस्ताद जल्दी कर ले, भूख लगी है। वही ना, बंदा मूंगफली लेके बैठ जाए, छील छील के खाता रहे। चलो बस अब ये हो गया। शाबाश। आखिरी राउंड खेलते हैं भाई, उसके बाद आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। ये राउंड मुझे बड़ा मज़े का लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। और ये देखो ना, ये होता है राउंड, आते ही दो बोनस दे दिए इसने। अब ये नीचे ना आए, अब ये ऊपर ही रहे। फौरन ऊपर की सफाई कर दें, शाबाश। ये बात, शाबाश, खत्म कर भाई। ये लाइफ आ गई। अच्छा हाँ, ये नौ हो गई ना, अभी मैंने नोटिस किया। दिल लिया, अबे भाई वो इंडियन गानों में कहते हैं ना, दिल ले लिया, दिल दे दिया। अब दिल की जगह आप रिप्लेस कर दें उजुए तनासुल, अब दोबारा गाना गाएं। ये सारे गानों में जो ना दिल एज ए यूफेमिज्म यूज़ हुआ है, असल में हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी ना पूछा कौन हो तुम, ये वन नाइट स्टैंड है। नशे में कोई मिल गया, आपने शबगत बबगत कर दी, फिर हमने तुमको दिल दे दिया, ये भी ना पूछा। ऐसा कैसे हो सकता है यार, इन व्हाट सिचुएशन यू फॉल इन लव और आपने पूछा भी नहीं आप है कौन। ये दूसरी सिचुएशन में ही हो सकता है वन नाइट स्टैंड। खैर भाई, ये थी आज की वीडियो, आई होप यू गाइज एंजॉयड। मैनी ब्रिक्स ब्रेकर के हमने आज पता नहीं कितने राउंड किए, और राउंड का काउंटर नहीं चल रहा था, तो जब कल हम दोबारा खेलेंगे तो आएगा वहीं से काउंटर। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आई होप यू गाइज एंजॉयड, और अब हम अगली एपिसोड में इंशाल्लाह दोबारा थॉर्न एंड बलून्स खेलने जाएंगे, और फिर आपसे दोबारा मुलाकात होती है। ऑफिस।